हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे ही बिजली के बिल का किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बिजली के बिल का जो पेमेंट है वो भीम एप्लीकेशन के द्वारा पेमेंट करना सिखाऊंगा, और उसके लिए आपके मोबाइल में भीम ऐप का होना ज़रूरी है। दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भीम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर वो हमसे 4 अंकों का पासकोड दर्ज करने के लिए बोलता है, तो हम जो है पहले 4 अंकों का हमारा जो पासकोड है वो दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला जो ऑप्शन आएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का आ रहा है। हमें यहाँ पर जो अधिक लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको जो पेमेंट करना है वो बिजली का करना है, इसलिए हमें जो बिजली पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जितने भी मध्य प्रदेश में स्टेट हैं वो सब जितने भी भारत में स्टेट हैं वो सब आ जाएंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी राज्य से आते हैं आप उस राज्य को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं मध्य प्रदेश का बिल जो है यहाँ से पेमेंट करना चाहता हूँ। अब मैंने मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ये सिलेक्ट करेंगे तो मध्य प्रदेश की जो है 5 कंपनियां हैं बिजली कंपनियां, तो यहाँ पर कौन सी कंपनी जो है हमको पेमेंट करना वो है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण रूरल। तो जैसे इस सबसे पहले नंबर के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब हमसे बोल रहा है IVRS नंबर डालने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना IVRS नंबर डाल देना है जो कि 7 से 15 अंकों तक हो सकता है। तो मैं अपना IVRS नंबर डाल देता हूँ। और जैसे ही IVRS नंबर यहाँ पर आप डालेंगे इसके बाद आपको बिल विवरण प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका जो है बिल जनरेट होकर आ जाएगा कि यानी कि अभी तक का जो बिल है वो आपका कितना है, और साथ में दोस्तों ड्यू डेट भी यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों मेरा बिल जो है 876 रुपये का है और ड्यू डेट उसकी जो है 13 तारीख है। तो दोस्तों आज इसकी लास्ट तारीख है, मैं यहाँ पर इसको पेमेंट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ आप इस पर टिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर आप टिक करके रखिए जिससे कि ये आपके बिल में जुड़ जाएगा। इसके बाद आपको भुगतान पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो अब आपसे आपका UPI पिन आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ से आप अपना UPI पिन इंटर करके राइट के निशान पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका भुगतान संसाधित किया जा रहा है, यानी यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग उसकी चल रही है। जैसे ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे सामने उसका आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दोस्तों सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरह से दोस्तों आप अपने बिजली बिल का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपका मन में कोई भी संशय या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।